देखो तो चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये चैप्टर आपको समझने से पहले लास्ट चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए, मोशन चैप्टर। ठीक है, मोशन चैप्टर का मतलब क्या क्या समझे हम लोग। मोशन चैप्टर में ये समझे कि बॉडी अगर ऑब्जेक्ट, अगर मान लो आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी गेन करता है, लाइक सपोज करो इस डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, स्पीड है ना, वेलोसिटी, जितने भी इसके फिजिकल क्वांटिटी टर्म वहाँ पे थे, सारे टर्म को मेजरमेंट करना हम लोग सीख गए भाई थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली तो सीखे नहीं हम लोग वहाँ पे, है ना, बट थ्योरेटिकली को पता होगा, प्रैक्टिकली फील करना पड़ेगा चीज़ों को, स्पीड का मतलब क्या है, वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सारे टर्म को दोबारा को बताते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसको हम। डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कोई डिस्टेंस, कोई पाथ लेंथ कवर करता है, मान लो आपका स्कूल है या मान लो आपका घर है, ठीक है, तो स्कूल से अगर मान लो उस घर का स्कूल से डिस्टेंस मान लो 5 किलोमीटर है, तो कहने का मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि मान लो कि बच्चा स्कूल से घर, घर से स्कूल गया, तो डिस्टेंस का मतलब हुआ वो किसने कितने पाथ लेंथ कवर किया, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। आंसर करते रहो छोटू, बैठना नहीं है, बैठोगे तो फिर समझ कुछ नहीं आएगा, बोलते रहना। इसका मतलब हमेशा डिस्टेंस आपका ऐड होता रहेगा, कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं, ऑलवेज एडिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या होगा, एडिटिव। इसका आंसर कभी लेस देन जीरो पॉसिबल नहीं है, हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो पॉसिबल है क्या। अगर मान लो वहीं बैठा रहेगा तो डिस्टेंस कवर किया कि नहीं किया, कुछ पाथ लेंथ कवर करो, मान लो यहीं बैठे रह गए तो उसको एस इक्वल टू जीरो मीटर बोल देंगे। इस लाइक आपने स्टार्ट किया ही नहीं अपने आप को, पहली बात आपने स्टार्ट नहीं, तो क्या बोलो डिस्टेंस कितना आपका। तो डिस्टेंस इक्वल टू जीरो का मतलब कि हमेशा क्या बोलेंगे हम लोग, रेस्ट। आई बस, आप जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रह गए, आप कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाए। देखो मोशन में का मतलब क्या हुआ, पहले समझो बात को, मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब समझने के लिए पहले बॉडी को देखना पड़ता है रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। आप ऐसा किसी बॉडी को देख के नहीं बता पाओगे मोशन में है कि नहीं। लाइक अगर अर्थ की बात करें, अर्थ आपका मोशन में कि रेस्ट में, क्या बोलोगे, रेस्ट में है, क्योंकि हम अपने रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। इस रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में। अगर स्पेस के बाहर चले जाएं फिर अर्थ को देखें, अर्थ कैसा दिखेगा, घूमता हुआ दिखेगा। आई बात समझ में, तो अर्थ घूमता हुआ कब दिख रहा है, जब रेफरेंस पॉइंट को चेंज किए। तो फिजिक्स का पूरा आपका कॉन्सेप्ट, आपका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा वहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम को देखो, रेफरेंस पॉइंट को देखो और चेक करो बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में। सब सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, कोई बॉडी को देख के मत बोलना कि रेस्ट में है कि मोशन में। लाइक अगर मान लो चौक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चौक की बात करें, चौक आपके लिए क्या है, मोशन में। अगर मान लो ये चौक इस चौक के बारे में बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं आपस में दोनों, रेस्ट पे। तो यही चौक आपके लिए मोशन में, यही चौक इस चौक के लिए रेस्ट में क्यों हो गया, बिकॉज आपने रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दिया। पहले रेफरेंस पॉइंट खुद आप थे, अब यहाँ कहाँ, आप चौक पे बैठ गए, मान लो कहाँ बैठ गए, चौक पे। आप चौक पे बैठ के मेजरमेंट करो इसका, लाइक इसका मोशन कैसा है, इसका लाइक रेस्ट में है कि आपका मोशन में। तो ये देखो कैसा लग रहा है आपको, रेस्ट पे, क्लियर है। हाँ देखो ध्यान, तो कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में, कैसे पहचानेंगे, रेफरेंस पॉइंट से पहचानेंगे। सेम बॉडी आपका रेस्ट पे रहेगा, सेम बॉडी मोशन पे रहेगा, डिपेंड करता है कि आप बॉडी को देख कहाँ से रहे हो। आप देख रहे हो बॉडी को लाइक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ के देख रहे हो, ऑब्जेक्ट से बाहर देख रहे हो, क्लियर है ना। तो ये चीज़ समझना पहले कि मोशन का मतलब क्या होता है ना। मोशन का मतलब समझ में आ गया, मोशन अगर है तो बॉडी में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी भी होंगे, लाइक स्पीड भी होगा, वेलोसिटी भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, डिस्टेंस भी कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा। तो डिस्टेंस हमने देख लिया, डिस्टेंस का मतलब ऑलवेज एडिटिव पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव पॉसिबल, हमेशा क्या करना है उसको ऐड करते चलना। ना अगर बात करें स्कूल से घर जाने, घर से स्कूल आने के, तो डिस्टेंस कितना हो गया उसका, 10 किलोमीटर, बिकॉज स्कूल से घर का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर का। ना अब अगर मान लो कोई बच्चा डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, डिस्प्लेसमेंट का मतलब रफली लैंग्वेज क्या, सुनो, आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया, क्वेश्चन अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, आप जहाँ से चलना स्टार्ट किए जहाँ फाइनली पहुँचोगे, तो वहाँ पहुँचने के बाद चेक करो कि हमें वही पहुँचना है दोबारा जहाँ चलना स्टार्ट किए थे। आपको दोबारा जहाँ से अपना स्टार्ट किए थे ना, फाइनली वहीं पहुँचना है आपको। तो फाइनली वही रिमेनिंग पाथ को कवर करने के लिए जितना पाथ लेंथ कवर करोगे, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जिसको शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं। लाइक सपोज करो आप घर से स्कूल गए, घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, आप चलना स्टार्ट कहाँ से किए थे, आपको वापस कहाँ पहुँचना है, घर पे ही पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है। तो मान लो घर से स्कूल गए, घर स्कूल से घर पहुँच गए, ठीक है, अब चेक करो आप जहाँ फाइनली पहुँचे, जहाँ स्टार्ट किए थे, अब चलने में कुछ बचा है वहाँ पे, नहीं बचा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। अब मान लो 5 किलोमीटर गए और 3 किलोमीटर वापस आए,
आप जहाँ चलना स्टार्ट किए ये ट्राई करो वहीं पहुँचना है। तो तीन वापस आ चुके, चलने को और कितना बचा? दो किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? दो किलोमीटर। लॉजिक ले ना, तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब। नेक्स्ट स्पीड की बात करें, स्पीड का मतलब वही चीज़ आपका जो डिस्टेंस का मतलब है। लाइक अगर डिस्टेंस मूवमेंट कर रहे थे आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तो उसको ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा होगा, करेक्ट? आप लाइक एक घंटा लिए होंगे, दो मिनट लिए होंगे, पाँच सेकेंड, कितना सेकेंड हम लोग को नहीं पता। तो आप जितना डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कंज्यूम कर, दैट इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर करने में, डिस्प्लेसमेंट नहीं, ठीक है? डिस्टेंस कवर कर, लाइक घर से स्कूल गया, स्कूल से घर कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। तो अब 10 किलोमीटर मान लो ट्रेवल किए एक घंटे में, तो क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे 10 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। आई बस ये बता दें आपका कि आपका 10 किलोमीटर पर आवर है। इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं स्पीड को। इसका मतलब हर एक घंटा कितना जाएगा? 10 किलोमीटर। इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब चेंज कभी नहीं करना, सेम कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट मूव करना, ठीक है? तो 10 किलोमीटर पर आवर आपका पहले घंटा है, तो सेकेंड आवर भी कितना होगा? सेम 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक घंटे में कितना किलोमीटर? 10। अगले घंटे में फिर से कितना? अगले घंटे में कितना? आपसे पूछ दे 5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, देख के बता दो कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। तो आप यूनिफॉर्म को देख कर आराम से बता सकते हो। अगर मान लो यही वेरिएबल रहेगा तो फिर, अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो पता नहीं कर पाओगे, फिर आपको वहाँ पर टाइम डेटा गिवन रहेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा। बट यूनिफॉर्म का फायदा बेनिफिट बहुत ज़्यादा, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर मुझे वाले निकाल सकते हैं हम लोग। क्या लॉजिक ले रहे हैं? यहाँ तक समझ गए आप लोग? नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपका है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा। जैसे मान लो आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, चलने कुछ बचा? जब बचा ही नहीं चलने को, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो वेलोसिटी कितना हो गया? 0। जब चलने को बचेगा तभी उसको कवर करने में टाइम लगेगा ना। अब यहाँ पर चलने को बचा ही नहीं है, तो कवर करने में कुछ टाइम लगेगा नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी भी 0। अच्छा, जिसमें आपको डायरेक्शन डिपेंड करता उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? लाइक देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मुझे पता है कि अगर मान लो सिर्फ आगे निकल गए, बता दो आप घर से चलना स्टार्ट किए, सिर्फ आगे चलते चले गए, आप पीछे लौट के आओगे ही नहीं। अब अगर पीछे लौट के आना स्टार्ट किए, डिस्प्लेसमेंट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्या डायरेक्शन चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जब डायरेक्शन को चेंज होने से उसके फिजिकल क्वांटिटी फर्क पड़े वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस का बात देख लो, आप आगे गए पीछे गए, क्या उसका वैल्यू घटा गया कभी? हमेशा बढ़ता ही चला गया, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ा उसके वैल्यू पे, हमेशा एडिटिव ही रह गया, उसको बोलेंगे स्केलर। लेकिन मान लो डायरेक्शन चेंज करने से वैल्यू फर्क पड़ा, घटना स्टार्ट हुआ, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरह से डिस्टेंस स्केलर है आपका और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरीके से स्पीड आपका स्केलर होगा, वेलोसिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड को या तो बढ़ाना या तो घटाना। तो स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा? सॉरी, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा? पॉजिटिव हो। क्यों? स्पीड इंक्रीज कर रहा है आपका, और अगर स्पीड डिक्रीज किया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन, पॉजिटिव का मतलब एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो ये सब बातें आपको लास्ट मोशन चैप्टर में ऑलरेडी डील कर चुके तरीके से, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिकली समझा चुके तरीके से आपको। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसको रिवाइज क्यों करवाएं? बिकॉज आपको बिना इसके समझे ये चैप्टर समझना आपके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? नाउ अब देखते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। वही फाइनल टू निश्चय। हाँ, हाइट फाइनल कहाँ गिरा? यहाँ पे। हाँ, तो हाइट मेजर करेंगे सिर्फ यहाँ पे, हाइट, ओनली हाइट। ऐसे ऐसे बोल रहे हो तुम, तुम्हारा क्वेश्चन यही ना, यहाँ टॉप से बॉल को थ्रो किए पैराबोलिक मोशन में, यहाँ गिरा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ये पाथ जो होगा इसका क्या होगा? शॉर्टेस्ट। इसी को बोलेंगे हाइट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? और डिस्टेंस का मतलब ये, इस पाथ पे ट्रेवल किया, कितना लेंथ कवर किया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। लॉजिक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आपका है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ना क्या है? पहली बात, मोशन चैप्टर में क्या पढ़ा हमने? मोशन चैप्टर में इतना ही पढ़ा कि आपका स्पीड क्या है, आपका वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट में स्पीड आया, वेलोसिटी आया, क्यों आया, रीजन पता है क्या? सो वी डोंट नो एनी रीज़न कि उसके पास स्पीड कहाँ से आया, वेलोसिटी कहाँ से आया, एक्सेलरेशन कहाँ से आया। बस हम पढ़ते हैं मोशन चैप्टर से, पढ़ते हैं कि किसी बॉडी के पास इतना स्पीड होगा,
किसी बॉडी के पास इतना वेलोसिटी होगा, किसी बॉडी के पास इतना एक्सेलरेशन होगा, बस बढ़ते हैं। बट क्यों होगा, उसके पीछे रीजन हम लोग को नहीं पता। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में वी नो द रीज़न, कि अगर मान लो किसी बॉडी में वेलोसिटी है, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है, तो क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज हमने क्या अप्लाई किया वहाँ पे, फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स इज द रीज़न किसी बॉडी में आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन या स्पीड आने का रीज़न पता चलता है। क्या लॉजिक क्लियर है, ये बात समझ गया। तो सेकेंड चैप्टर क्या बताएगा आपका, सेकेंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का रीज़न बताएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर सिर्फ आपको डील करेगा उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में होता क्या है, सेकेंड चैप्टर डील करेगा अगर है उसके पास स्पीड, अगर उसके पास वेलोसिटी है तो क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है। क्लियर है। इससे चैप्टर को कभी कभी हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही बोलते हैं, न्यूटन, बिकॉज बेसिकली चैप्टर आपका पूरा न्यूटन के लॉज पे डिपेंडेंट चैप्टर है। इस न्यूटन के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ पढ़ना है। बट उससे पहले दो तीन टर्म और समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इनर्शिया क्या होता है। करेक्ट, इनर्शिया का मतलब देखो क्या होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इनर्शिया को लेकर आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व। इनर्शिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़त्व। नाउ इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी आपका, हाँ छोड़ो ध्यान दो इधर पीयूष, इधर सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो बस इतना ही है, आगे कोई टर्म यूज नहीं करना है। क्या बोलना है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो दिस कॉल इनर्शिया। इफ ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट दैट इट विल रिमेन इन रेस्ट एट रेस्ट, इफ ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन देन इट विल इन मोशन, इसको बोलते क्या हम लोग, इनर्शिया बोलते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो, अरे बोलो, रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो, मोशन में है तो, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, नाउ इसी में थोड़ा सा क्वांटिटी एक्स्ट्रा टर्म यूज कर लेंगे, उसको बोल देंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोल देंगे, अब न्यूटन ने इसी टर्म को, इसलिए इनर्शिया को हम लोग, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इसे न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनर्शिया टर्म को ही यूज करके हम लोग फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, रीजन। क्लियर है, लॉजिक यहाँ पे, डाउट किसी बच्चे को, अच्छा देखो क्या है फर्स्ट लॉ क्या है, आप पहले इनर्शिया का डेफिनेशन बोल लो पहले से, ठीक है। क्या होता है इनर्शिया डेफिनेशन, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो, मोशन में है तो, कब तक, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए। क्या बोलना है, पहले लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे एक्सप्लेन करें, पहले इनर्शिया का डेफिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन रहेगा, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए, बैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स, बैलेंस फोर्स ना अप्लाई किया जाए, क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। क्लियर है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस और अनटिल इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट या ऑन इट। क्लियर है, इतना आपको बोलना, दिस बिकम्स लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। क्या ये बात सबको याद हो गया, फर्स्ट लॉ पूछेगा आराम से लिख दोगे, क्या लिखा होगे, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कब तक एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया। क्लियर, यहाँ पे ये बात आपका है, अच्छा इस पर अब क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू कैसा पूछता है इसके ऊपर, या फिर देखो अगर लिखने डेफिनेशन बोलोगे पक्का लिख के आ जाओगे, बट इसके ऊपर जनरली जो पूछता है आपका डेफिनेशन के अलावा लाइक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लाइक इनर्शिया का एग्जाम्पल दो कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे आपकी बात करते हैं, आप अभी रेस्ट पे हो कि मोशन में हो, ये कैसे बोल सकते हो आप, मैंने क्या बोला, जब भी रेस्ट मोशन पूछा जाए पहला कॉन्सेप्ट दिमाग क्या होना चाहिए, सर किसके रेफरेंस से, आप पहले क्वेश्चन मुझसे पूछो सर कहाँ से बोल रहे हो आप मेजरमेंट करना है, अर्थ के बाहर मेजरमेंट करना है कि अर्थ पे बैठ के मेजरमेंट करना है। अगर मेरे रिस्पेक्ट में बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पे हो। और जो कोई एस्ट्रोनॉट मान लो बाहर चला गया वहाँ से क्या देखेगा, आप तो मोशन में हो, बट हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम अर्थ पे बैठ के ही मेजरमेंट करना। चलो अब से जितना क्वेश्चन आएगा अर्थ पे बैठ के ही देखेंगे, अगर क्वेश्चन अर्थ के बाहर होगा तो हम अलग से उसको डील करेंगे। क्लियर है, चलो तो मेरे रिस्पेक्ट बताओ कैसे मोशन में कि रेस्ट में हो, अच्छा कब तक रहोगे, जब तक हम फोर्स ना अप्लाई करें, लाइक आपके बॉडी पे हम ऐसे धक्का दे दिए, अब कहाँ आ गए, मोशन में आ गए। नाउ अगर मान लो एक किसी ट्री को शेक करते हैं, है ना, किसी ट्री को मान लो आप शेक करते हो ऐसे, तो यहाँ बहुत सारे लीव्स हैं, यहाँ पे ट्री पे बहुत सारे लीव्स है ट्री पे, ठीक है बहुत सारे लीव्स है मान लो। अब देखो अगर ट्री को शेक करोगे तो मोशन में कौन आया, ट्री मोशन में कौन आया, तो ट्री आपका मोशन में आया, लीव्स तो नहीं आया ना, लीव्स क्या था, रेस्ट में था,
तो ट्री चला गया मोशन में, बट लिफ्ट रेस्ट था तो क्या हुआ, नीचे गिर जाएगा। क्यों? इस पे को रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना था, इसे नीचे गिर गया और ट्री क्या करना स्टार्ट किया, मोशन आया। लाइक ब्लैंकेट को पीटना, किसी ब्लैंकेट में बहुत सारा धूल जम गया वहाँ पे, एक स्टिक लेंगे, आपने देखा होगा साफ करने का तरीका ब्लैंकेट को, हम लोग ब्लैंकेट को जिन बहुत ही हैवी ब्लैंकेट है उसको जनरली पानी में डालकर उसको लाइक साफ ऐसे नहीं करते, कैसे करते हैं, एक बड़ा सा डंडा लेते हैं, उसको पहले टांगते हैं, हैंग करते हैं, बड़ा डंडा लेते हैं और मारते हैं जोर जोर से। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपने डंडा से किसको मारा, ब्लैंकेट को, तो जिसको मारा फोर्स किसने अप्लाई किए, तो मोशन में कौन आएगा, गंदगी वहाँ पर क्या होगा, तो रेस्ट से नीचे निकल जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, जो रेस्ट में था रेस्ट में निकल गया, जो आपका मोशन में था वो मोशन में निकल। क्या लॉजिक ले रहे हैं, मान लो आप किसी घोड़े पे बैठे हो, हॉर्स पे बैठे हो और अचानक से हॉर्स ने जंप लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे दौड़ रहा था घोड़ा, टिक 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 जंप लिया ऐसे, तो जंप लेने के बाद क्या होगा, आप उड़ जाओगे आसमान में, ऊपर चले उड़ जाओगे, तो जैसे ही ऊपर उठोगे फिर कहाँ गिरोगे, कहाँ गिरोगे, घोड़े पे गिरोगे जमीन पे गिरोगे, घोड़े पे गिरोगे, क्यों, रीज़न क्या, बिकॉज आप मोशन में थे, घोड़ा मोशन में था, दोनों जो मोशन घोड़ा का था, जो स्पीड घोड़ा का था वही स्पीड आपका था, तो दोनों का स्पीड सेम था ना, जैसे जंप लिया तो आप भले ही अलग हो गए बट दोनों का स्पीड क्या था, फिर दोबारा कहाँ गिरोगे, साथ ही नीचे गिरोगे। आई बात समझ, दिक्कत यहाँ पे ना, अगर मान लो एक कार्डबोर्ड ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा जाए, इसका एग्जाम्पल भी देख लो, ये मान लो आपका एक कार्डबोर्ड है, इस पर मान लो 5 रुपीज़ का कॉइन है यहाँ पे, ठीक है, कार्डबोर्ड पे फोर्स अप्लाई करो, कार्डबोर्ड पर फोर्स अप्लाई करो, तो फोर्स किस पे अप्लाई किया आपने, तो मोशन में कौन आएगा, जिस पे फोर्स अप्लाई करो मोशन वही आएगा ना, फोर्स किस पे अप्लाई किया आपने, तो मोशन में कौन आएगा, कॉइन कैसे रहेगा, रेस्ट पे था कहाँ गिरेगा, तो रेस्ट पे था रेस्ट में निकल गया, कार्डबोर्ड कहाँ निकल गया, समझे बात को, ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में था मोशन में निकल गया, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था वो रेस्ट पे निकल गया, ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है, क्लियर है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या डील करता है देख लेते हैं। देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, दोबारा बोलना सर बच्चे एक बार, अगर कोई बॉडी और मोशन में है तो कब तक, कुछ एग्जांपल कार्डबोर्ड का एग्जांपल देख लिए, ग्लास में कॉइन कहाँ गिरेगा, कार्डबोर्ड कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, बिकॉज कॉइन रेस्ट पे तो रेस्ट पे, कार्डबोर्ड मोशन में तो, क्लियर है यहाँ तक। नाउ सेकेंड आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या डील करता है, देखो मोशन का मतलब क्या है, मोशन का मतलब बॉडी में कुछ मूवमेंट का आना, तो मूवमेंट है तो डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है, तो सारे क्वांटिटीज के अंदर आ सकते हैं, देखते क्या क्या है। अगर कोई बॉडी छोड़ देना, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ये मान लो पहले रेस्ट पे है, कैसे आपका है रेस्ट पे, इस रेस्ट पे तो यू कितना होगा, यहाँ पे यू कितना आ गया, जीरो। अब मान लो इस पे अपने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, कितना अप्लाई किया आपने 10 न्यूटन का आपने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो बॉडी मूवमेंट आएगा तो क्या बॉडी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा नहीं करेगा, क्या पाथ लाइन ट्रेवल करेगा नहीं करेगा, करेगा ऑब्वियसली करेगा, तो पाथ लाइन ट्रेवल करके मान लो यहाँ पहुँच गया बॉडी आपका, ठीक है, तो यहाँ पहुँच गया, तो इस टाइम पे जो स्पीड होगा यहाँ पे जो स्पीड सेम होगा डिफरेंस होगा, सेम होगा डिफरेंट होगा, यहाँ पे जो स्पीड होगा, ध्यान दो छोटू, फोर्स अप्लाई किए इनिशियल स्पीड कितना है, स्पीड फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या यहाँ पे जो स्पीड था ये स्पीड सेम होगा डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, सेम होगा, डिफरेंट क्यों होगा, बिकॉज फोर्स अप्लाई किए ना, तो फोर्स अप्लाई कोरोना नहीं, टेंशन मत लेना, हाँ फोर्स अप्लाई करने से इस बॉडी मूवमेंट आया, मूवमेंट आया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ऑब्वियसली मोशन आया होगा, स्पीड आया होगा, तो स्पीड डिफरेंट हो जाएगा, तो मान लो यहाँ स्पीड कितना है उसके, वी, यहाँ कितना है, और यहाँ मान लो यू, यहाँ क्या मानते हैं, यू मान दो चलो, तो इसके स्पीड में चेंजिंग आया कि नहीं आया, कितना का चेंजिंग आया इसके अंदर, पहले आपके पास मान लो 5 रुपया था, आपके पास 10 रुपया है, तो चेंज कितने का आया, कैसे किए, 10 माइनस, तो चेंज का मतलब जब भी निकालना होगा फाइनल को इनिशियल से माइनस करते हैं, अगर नेगेटिव आया तो क्या बोलेंगे,
उल्टा था डायरेक्शन, पॉजिटिव आया तो क्या बोलेंगे, जिस डायरेक्शन मैंने सोचा था एग्जैक्टली उसी मूवमेंट कर रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, वो बस डायरेक्शन को बता रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जो हम सोच रहे हैं उसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, और नेगेटिव मतलब क्या हो गया, हम जिस डायरेक्शन सोचे थे एक्चुअली में वो उल्टा मूव कर रहा है। क्या लॉजिक ले रहे हैं? चलो तो यहाँ पर चेंज कितना आएगा स्पीड का छोटू? वी माइनस यू चेंजिंग आया स्पीड का। स्पीड को चेंज होने में कुछ टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा? मान लो टी मान लेते हैं, तो मान लो स्पीड को चेंज होने में कुछ टाइम लगा, कितना? टी। कोई दिक्कत तो प्रॉब्लम यहाँ पे? तो वी माइनस यू बाई टी क्या बोलते हैं छोटू हम लोग? क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसका मतलब बॉडी में फोर्स अप्लाई करने से क्या बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ गया, तो बॉडी कुछ मास रहा होगा, उसको मान लो उस मास से मल्टीप्लाई कर ले, क्या यही दो क्वांटिटी मिलकर फोर्स अप्लाई किया था? बात समझे क्या? ये आपका बन गया एफ इक्वल टू एम इंटू वी माइनस वी बाई टी, दैट इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू? इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते चीज़ों को। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया ना। अब थोड़ा सा एक टर्म डिफाइन करते हैं, पहले आपको मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम मतलब ये होता है छोटू, जब किसी ऑब्जेक्ट में का मास होगा उसके पास स्पीड भी होगा, तो ऑब्जेक्ट के मास को उसके स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो या वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। मोमेंटम निकालना बहुत आसान है। अगर आप बैठे हो आपका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, तो आपका मास एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी स्पीड है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। आपका स्पीड कितना है अभी? कितना स्पीड आपका अभी? तो मोमेंटम भी कितना हो गया? जीरो। क्लियर लॉजिक? अपने स्पीड में अपने मास को मल्टीप्लाई करो, दैट कॉल मोमेंटम। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कैसे मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से, ये 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, बताओ मोमेंटम कितना हो गया? 100 केजी मीटर पर सेकंड। आप सिर्फ यही मल्टीप्लाई किए, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या होगा? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यहाँ पे आए बात समझ में? तो मोमेंटम का मतलब क्या हो छोटू? मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? मास को क्या करना है? उसके स्पीड से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो बताओ यहाँ मोमेंटम कितना होगा? स्पीड यहाँ यू है तो मोमेंटम कितना है यहाँ पे? एम यू। क्या ऑब्जेक्ट का मास चेंज कर जाएगा क्या? अरे ऑब्जेक्ट तो वही है ना, क्या मास को भी चेंज करेगा? यहाँ मोमेंटम कितना हो गया? एम वी। कोई दिक्कत? चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? एम वी माइनस मोमेंटम को चेंज इन कुछ टाइम लगा क्या? तो क्या इसको चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं? फिर से एम कॉमन कर लो, एम को फिर से क्या मिल गया? फिर से क्या? फिर से एक्सेलरेशन मिल गया, क्या यही क्वांटिटी फिर से मिलेगा? तो फोर्स को कैसे बोलेंगे? ध्यान सुना, फोर्स कैसे बोलेंगे? तो फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं क्या? देखो ध्यान दो, क्या हाँ बोल सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू जो आपका आया एम वी माइनस एम यू बाई टी आया कि नहीं आया, बताओ आया क्या? टी का मतलब रेट। अब जो सेंटेंस लिखा, जो फॉर्मूला लिखा, उसी को पढ़ना। क्या बोल रहे? देखो, अप्लाइड फोर्स ये क्या है? इज इक्वल क्या बोलना? अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू टाइम का मतलब रेट। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ, ये क्या था? चेंज इन मोमेंटम। जो डेफिनेशन लिखा है आपका, क्या ये फॉर्मूला वही बता रहा है क्या? जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं क्या डेफिनेशन कन्वर्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे? दोबारा बोलो क्या बोलेंगे? अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या लॉजिक ले रहे हैं? फटाफट लिख लो इसको और डेफिनेशन खुद से लिखना। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे रीजन बता दे, बहुत ही जेन्युइन रीजन, सोशल रीजन बता दे क्यों। घर में कोई अभी कभी गेस्ट एंटर करेंगे ना, पहला क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा बताओ न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, फेस की हो ऐसे गार्जियन से। घर में कोई कभी आया आज तक पूछने? हमेशा पूछेंगे बताओ न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन इसी पूछते हैं जनरली। हाँ, तुम्हारे घर में कोई नहीं आया, इसका मतलब हम उनकी बात कर रहे हैं जिन घर में कोई आए हैं अभी तक। रुको, हम आ जाते हैं शाम में, हम यही क्वेश्चन पूछेंगे, हो जाएगा तुम्हारा काम, मेरा मिशन कम्प्लीट। तो क्या देखो, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपसे। इनफैक्ट घर में मम्मी पापा पूछेंगे ना, कौन चैप्टर पढ़ रहे हो, तो जहाँ बोल दिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, हर किसी का फेवरेट टॉपिक होता है ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सब पूछते हैं, बताओ फर्स्ट लॉ क्या, सेकंड लॉ क्या, थर्ड लॉ क्या। आपको मुझे वाले रिट्टा याद होना चाहिए सब बच्चे को, समझे? जहाँ बोल दिए नाइन्थ क्लास में, तो क्वेश्चन दागेंगे फटाफट, फायर करेंगे तुम्हारे ऊपर, बताओ फर्स्ट लॉ क्या, सेकंड लॉ क्या, थर्ड लॉ क्या, अब याद रहेगा ना। थर्ड लॉ सुन लो क्या है,
थर्ड लॉ क्या आपका कि जितना आपने फोर्स अप्लाई किया दैट इज कॉल्ड एक्शन. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आपका अप्लाई किया गया फोर्स इज कॉल्ड एक्शन. अब बदले में क्या मिलेगा? रिएक्शन. क्या मिलेगा? उसी को बोलते हैं थर्ड लॉ. वो दोनों आपका इक्वल ऑपोजिट होना चाहिए. पहली बात सपोज करो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया, आपने मार दिया दो थप्पड़, वो भी कितना मारेगा? अगर गलती से तीन मार के गुस्सा आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा क्यों मारा? अब उसके लिए आप उसको दो मार दोगे, फिर से आप एक ज़्यादा हो गए, अब वो आपका मरेगा. इसका मतलब ये चीज़ कंटिन्यूटी चलता रहेगा. कब तक? जब तक इक्वलिटी ना आ जाए. समझे? आपने तीन मारा, उसने भी तीन मारा, बात खत्म हो जाती है. लगता चलो इक्वली तो है वहाँ पर, लॉजिकली है ना. जिस तरह से क्रिकेट मैच में क्या होता है, दोनों ओपोनेंट को बैटिंग करने का मौका मिलता है. एक बार तुम बैटिंग करो, ये फील्डिंग करेगा, बैटिंग करेगा, फील्डिंग करेगा, इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन हमेशा मिलता है, हर चीज़ मिलता है हम लोग को. क्या लॉजिक क्लियर है? तो जब हम लोग एक्शन अप्लाई करते हैं बदले में क्या मिलेगा? अब दोनों कैसा होना चाहिए आपस में? इक्वल एंड ऑपोजिट. अब याद रखना इक्वल साइन को तो हम लोग को पता है, ऐसे डिनोट करते हैं, ये इक्वल साइन हो गया. ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वल साइन. ऑपोजिट का मतलब मैंने क्या सिखाया थोड़ी देर पहले? नेगेटिव. क्या सिखाया मैंने? तो नेगेटिव मतलब क्या होता है? ऑपोजिट. क्या होता है? आपने फोर्स अप्लाई किया एफ, क्या अप्लाई किया आपने? क्या अप्लाई किया आपने? कैसे बोलोगे? एक्शन आपका क्या था? ये इक्वल ऑपोजिट. आपने क्या दिया उधर से? रिएक्शन. मान लो एफ डैश को रिएक्शन मान लो, आपके फोर्स को एक्शन मान लो. जो डेफिनेशन लिखा एग्जैक्टली वही पढ़ेंगे. क्या बोलेंगे? एक्शन इक्वल्स ऑपोजिट. हो गया क्लियर? तो उसको आप सेंटेंस बनाते प्रॉपर तरीके से. टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड एन ऑपोजिट रिएक्शन. क्लियर है ना? जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग क्या किए? फॉर्मूला बना दिए. कोई अलग से तो किए नहीं यहाँ पे. बस माइनस टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ऑपोजिट. माइनस टर्म ऑपोजिट. एंड एफ डैश क्या आपका? रिएक्शन. एफ क्या आपका? एक्शन. आप अगर एक्शन दोगे बदले में रिएक्शन होना ही होना है. जैसे घर में कभी चिल्लाते हो मम्मी के ऊपर, रिएक्शन पापा देते हैं क्या? नहीं, मम्मी देती फ्लाइंग चप्पल के साथ. कब चप्पल गिरेगा पता नहीं चलेगा, फ्लाइंग चप्पल आता है. कभी हुआ ऐसा तुम्हारे साथ? मान लो पढ़ रहे हैं आ गया, ये क्या हुआ? दैट इज रिएक्शन. क्यों? मम्मी को दो दिन बाद याद है, अच्छा तुम दो दिन पहले क्या बोला था, याद है ना? उसका बदला मम्मी लेगी. तो एक्शन का रिएक्शन पक्का होगा. छोड़ो चाहे एक साल बाद हो या दो दिन बाद हो या तुरंत स्पॉन्टेनियस हो जाए, लेकिन होगा पक्का. होता नहीं होता है? कितने बच्चों को फ्लाइंग चप्पल मिला अभी तक? मिला. और लकी हो छोटू, और माँ से थप्पड़ खाना बहुत मुश्किल है. आज तक रिएक्शन फोर्स नहीं मिला. पापा से तीन बार पापा से रिएक्शन मिला होगा. देखो पापा का रिएक्शन क्या होता है? डांट वगैरह. स्कूल छुड़वा दें, क्या फ़ायदा मेरा, पूरा पैसा वेस्ट. तुमको पढ़ा लिखा कि मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, मेरा पूरा वैसा पैसा वेस्ट हो रहा है. दिस इज रिएक्शन फोर्स. आपका एक्शन क्या था? नहीं पढ़ना इज द एक्शन. बदले में डांट सुनना इज अ. दोनों कैसा? इक्वल एंड. जितना ज़्यादा नहीं पढ़ोगे उतना ज़्यादा डांट सुनोगे, जितना कम नहीं पढ़ोगे तो बोलेंगे पापा डांटेंगे पक्का, कोई बात नहीं लो ट्राई करना, बट हम संतुष्ट नहीं तुमसे इस बार. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट. क्यों? बिकॉज आपके फ्रेंड ने 89% लाया है, आपने 75 क्यों लाया है कि नहीं? अगर टॉप भी कर जाओ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, मेंटेन करना इस चीज़ को, नीचे जाना नीचे, हमेशा टॉप करो. तो ये भी हो जाएगा रिएक्शन, है कि नहीं? तो हमेशा छोटू लाइफ में हर जगह आपको एक्शन रिएक्शन दिखेगा हमेशा दिखेगा. क्लियर है ना? खासकर फ्रेंडशिप में तो पक्का दिखता है बदला लेने का टेंडेंसी. कोई किसी को थप्पड़ मारा तो छोड़ेगा थोड़ी ना, बदले में मारेगा ही मारेगा. तो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया हुआ चीज़ों को, कैसे एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं.